1885 से 2023 तक के इस सफर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पचासीवें अधिवेशन में रायपुर की सरजमीन पर देश के कोने कोने से आए हुए कांग्रेस के सिपाहियों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा मेरी आंखों के सामने बैठे हुए कांग्रेस की बुनियाद के पत्थर आप हैं तो हम हैं आप हैं तो हमारा वजूद है मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन है जो इस देश की राजनीति के लिए एक नई दिशा और दशा तय करेगा 1923 में महज 35 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कभी कहा करते थे कि दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं जो पांव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती है वो कहा करते थे कि सितारे टूट गए हैं लेकिन सूरज तो चमक रहा है उससे किरण मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजालों की सख्त जरूरत है मुझे फख्र है और मैं सलाम करता हूं अपने नेता राहुल गांधी जी को जिन्होंने जमाने को दिखा दिया कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं बुझूंगा भी तो जलने के लिए मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए मेरे भाई कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदुस्तान की सड़कों पर साढ़े तीन हजार किलोमीटर में अपने कदमों की थाप से राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की नई इबारत लिखी है उसको कागज पर उतारने का काम करेगा यह अधिवेशन मेरे भाई जिस सामाजिक न्याय का ख्वाब देखते हुए हमारे पुरखे इस जमीन की खाक में मिल गए उन ख्वाबों को ताबीर में बदलने का काम करेगा यह महाधिवेशन यकीनन मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है सरकारी कलम से जुल्म की नई कहानियां लिखी जा रही हैं, कहीं कोई रहित रोहित बेमुला तो कहीं कोई नासिर और जुनैद मजबूर किया जा रहा है मरने के लिए ऐसे में एक पागल भीड़ है जो खड़ी हुई है सब कुछ तहस नहस करने के लिए संविधान को तहस नहस करने के लिए ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाएं क्योंकि हम कांग्रेस हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि यह मुल्क संविधान से चलेगा तानाशाही से नहीं चलेगा ऐसे में हम कांग्रेसियों की जिम्मेदारियां हैं कि हम सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे वक्त के हाकिम से बिना डरे हुए उसकी आंख से आंख मिला करके बाबा से बुलंद आपके बहने वाले हर लहू के कतरे का हिसाब मांगते रहेंगे मैं आखिर में बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि डरिए मत भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है खोखला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है झूठा है हमारी जिम्मेदारी है हमारे पुरखों ने इस देश को संविधान दिया लोकतंत्र दिया उसे हम बचाएंगे इन अट्ठारह से 2023 के सफर में डरना नहीं है आगे बढ़ना है क्योंकि ये ज़मीन तब भी निकल लेने पर आमादा थी पांव जब टूटती शाखों पे उतारे हमने इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे वक्त के साथ नए नक्श निभाए हमने कि ये आवाज़ें बुलंद और बुलंद और बुलंद बामोदर और ज़रा और संवारे हमने आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी सब उठें मैं भी उठूं, तुम भी उठो तुम भी उठो कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद